हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाएंगे केले का जैम। ये हमारा दो केला है, ये 2 से 4 चम्मच चीनी है, 1 नींबू है। अब हम केले को छील के छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। हमने केले को छील लिया है, अब हम इसे ऐसे छोटे छोटे पीस कट करेंगे। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे अच्छा सा पेस्ट। हम चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। फटाफट से हम पीसेंगे। देखिए, हमने अच्छे से पेस्ट बना लिए हैं केले और चीनी का। अब हम अपने गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है, पानी को अच्छे से हम सूखने देंगे। हमारे कढ़ाई का पानी अच्छे से सूख गया है, अब इसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे। मैं इसे लगातार ऐसे कम आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर चलाना है। इसमें हम डालेंगे फूड कलर। आपको जो कलर पसंद हो आप डाल सकते हैं। हमें ये येलो कलर पसंद था, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं जो पसंद है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइए। दुकान से भी बेहतर घर पे बन जाता है। ये बनाकर आप कांच के एयर कंटेनर जार में रखेंगे तो ज़्यादा दिन जाएगा। हमें ऐसे चलाते रहना है। आप इसे ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, रोटी से लगा के खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी। चाहे जैसे आप इसे खा सकते हैं। ये हमारा 1 नींबू का रस है, हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है। तो हम पहचान करेंगे कि हमारा जैम तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हमें एक व्हाइट प्लेट लेना है, उसमें थोड़ा सा ऐसे डालना है। उसके बाद हमें इसे ऐसे करना है। देखिए, हमारे जैम से थोड़ा भी पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है जैम तैयार हो गया है। हम इसे अब किसी कंडीशन में उतारेंगे। को बंद कर देंगे। हमारा जैम तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा जैम तैयार हो गया है। मैं इसे आपको चम्मच से करके दिखा दे रही हूँ, कितना गाढ़ा है। आप इसे फ्रिज में रख के महीनों भर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर आपको ये हमारा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।